सो चारों ही शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है एम्स 2019 का, और अब परफेक्ट टाइम है कि आपको बताया जाए कि पेपर कैसा था चारों ही शिफ्ट का, और इस साल की कट ऑफ कैसे जाएगी, और कितने मार्क्स आ सकते हैं, और कैसा आपका पेपर किया है, तो किस हिसाब से आपका मार्क्स आएंगे और नहीं आएंगे, इसकी श्योरिटी आप कैसे करें। पेपर कंपेरिजन की बात करें तो लास्ट ईयर के जैसा ही पेपर था, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, बट ऐसा कि उसका जो पेपर है वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, और काफ़ी डिफिकल्ट होता है। फिजिक्स की बात करें तो देखिए फिजिक्स जो था वो लास्ट ईयर के जैसा ही था, एग्जैक्ट वैसा ही था, ठीक है, आपने अगर देखा होगा लास्ट ईयर तो ये फिजिक्स वैसा ही था टफ। और आप बात करो केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो लास्ट ईयर से टफ थे, स्पेशली जो बायोलॉजी है वो लास्ट ईयर से टफ था। ये काफ़ी स्टूडेंट जो मना कर रहे हैं उनको एग्जाम के रिजल्ट आएगा तब तो पता चलेगा, लेकिन जो बायोलॉजी थी वो डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि 10 से 12 जो क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट से नॉलेज मिली है वो आउट ऑफ सिलेबस थे, और उसमें जो डायग्राम वाले क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, तो अब वो सब क्वेश्चन जो होते हैं वो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो चुके होते हैं, तो फिर वो डिफ़िकल्टी होते हैं। और स्पेशली जो केमिस्ट्री पार्ट है वो इनऑर्गेनिक जो था वो आउट ऑफ ट्रैक था, बिल्कुल से ही बाहर से दे रखा था, और जो क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला जो टॉपिक है वो तो बिल्कुल जेईई मेन के अंदर होता है, आईआईटी के अंदर होता है, वो नीट के अंदर या एम्स के अंदर नहीं होता, फिर भी उससे क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद में जो ऑर्गेनिक है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स थे उनको डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था स्टूडेंट्स के लिए, तो इतना आसान ये पेपर था नहीं। जैसा हम देखिए बच्चे जो क्या होते हैं कि उन्होंने नीट दिया, नीट बहुत ईजी पेपर था, ठीक है, बहुत ईजी नहीं मतलब ईजी पेपर था, एक अच्छा पेपर था जिसे आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, उन क्वेश्चन को आप फेस कर सकते हो। बट एम्स जैसा एग्ज़ाम ऐसा है ना कि आपके सामने 200 क्वेश्चन है, बट वो 200 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने के लिए है ही नहीं। जैसा मैंने आपको पहले एग्जाम से पहले ही बोला था कि आपको 150 के आसपास ही क्वेश्चन को करके आना है, या फिर अगर पेपर ईजी आ जाए आपके क्वेश्चन होने लगे तो फिर आपको 170 करना है, लेकिन अगर 150 से 160 के बीच में आप करके आओगे तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा रहेंगे, जबकि जो नेगेटिव मार्किंग है वो कम रहेगी। और जो जीके था वो आपका इजीएस्ट पार्ट था, क्योंकि उसके अंदर जो अभी जो इलेक्शन के क्वेश्चन थे वो भी आ गए थे, तो काफ़ी इजी पार्ट वो था। और ओवरऑल जो पेपर तीनों में से था वो सबसे ज़्यादा हार्ड था फिजिक्स का, नो डाउट। अब अगर कट ऑफ की बात करो तो देखिए कट ऑफ तो गिरना ही गिरना है, बिकॉज लास्ट ईयर 800 सीट थे, इस बार 1200 सीट हैं, तो कट ऑफ तो गिरेगा। अब कट ऑफ गिरने से मतलब ये है कि कट ऑफ कितना गिरेगा, देखिए हमारे पास एग्जैक्ट मार्क्स तो है नहीं, मैंने आपको पहले बताया था सिर्फ परसेंटाइल है, परसेंटाइल से हम मार्क्स को सिर्फ गैस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एग्जैक्ट बता सकते हैं। बट ये है कि जो क्वालिफाई करते हैं जैसे कि जनरल कैटेगरी है उसके 100 मार्क्स हैं, ओबीसी है उसके 90 मार्क्स है, एससी एंड एसटी है उसके 80 मार्क्स हैं, तो जितने आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं ना उससे आप 7-8 मार्क्स एक्स्ट्रा रखो ताकि आपको लग सके हाँ इस मार्क्स पर मेरा सिलेक्शन हो सकता है। अब आपको पता क्या होगा कि जो जनरल कैटेगरी है उसको 108 से 110 के बीच में या फिर 112 के आसपास करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि 105 से 106 के बीच में वैकेंसी अगर आपका मार्क्स आ रहे हैं या फिर आपका इवन 100 मार्क्स भी आ जाए, आप 100 को क्रॉस कर जाए, आप क्वालिफाई हो जाओ, फिर भी आपके लास्ट से लास्ट जो मॉपअप राउंड बनेंगे उसके अंदर चांसेस बन सकते हैं, फिक्स नहीं होगा बट बन सकते हैं। और अगर आप ओबीसी हो तो आपके 100 अगर पार हो गए तो फिर आपको शायद थर्ड राउंड में कॉलेज मिल ही जाएगा, और एससी और एसटी हो तो आप फिर 90 से ऊपर हो तो फिर आपको भी थर्ड राउंड के बाद या थर्ड राउंड से पहले कॉलेज मिल ही जाएगा। अब देखिए श्योरिटी कैसे होगी कि आपके मार्क्स इतने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपने तो पेपर दे दिया है और अब पता कुछ है नहीं, क्योंकि नीट के अंदर तो आप घर पे आकर चेक कर लेते हो, इधर उधर जाके क्वेश्चन पेपर आपके साथ में है तो फिर आप उसका एनालिसिस कर सकते हो, बट एम्स का पेपर तो हो चुका है। देखिए एक चीज़ होती है कि नीट के अंदर जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आपके ये एक कैलकुलेशन के हिसाब से एक्सपर्ट बताते हैं, बट ये परफेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है कि आपके जितने भी आपने गलतियाँ कर रखी हैं नीट के अंदर उससे 10-15% एक्स्ट्रा गलती आप मान के चलो एम्स के अंदर, ठीक है। मान लीजिए कि आपने 500 स्कोर किया है और आपने ओवरऑल 30 क्वेश्चन गलत किए थे तो आप मान के चलो कि इसमें आप ऑलमोस्ट 45 से 50 क्वेश्चन गलत करोगे। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है मामला, थोड़ा कम समझ में आता है, बट हो सकता है कि अगर आप नीट के हिसाब से 200 में से अगर आप 150 मार्क्स लाते थे तो आप मान के चलो कि इसके अंदर आपके ऑलमोस्ट 120 के आसपास या 115 के आसपास आएंगे, तो ऐसा मार्क्स ऐसा हो सकता है। बट मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका पेपर अच्छा गया है, आपने मिनिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट किया यानी 140, 150 या 155 के आसपास, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बिकॉज अगर आपने कॉन्फिडेंट होकर श्योर होकर ही पेपर को अटैम्प्ट किया है, स्पेशली फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी थी, बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनको सिर्फ श्योरिटी के साथ ही करना था, अगर आपको नहीं आता था आपने छोड़ दोगे तो आपका साथ बहुत प्रॉफिट में रहोगे आप।
और अगर आपको जीके क्वेश्चन थे वो आपको 20 में से 20 आप कर करके आ सकते थे या फिर एक दो छोड़ सकते थे, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको लॉजिक वाले क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग सकते थे आप छोड़ सकते थे, बट ओवरऑल जो पेपर था उसमें अगर आप 150 क्वेश्चन करके आते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि 150 क्वेश्चन में से अगर आप 120 के आसपास अगर आप कर जाते हो तो फिर आपकी जो सीट है वो ईजिली क्लियर हो जाती है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर इसके 110 से 120 के बीच में रहते हो तो फिर चांसेस के ओवर रैंक के ऊपर डिपेंड करेंगे।